वेलकम टू आवर चैनल कैरियर अचीवर। इन दिस ट्यूटोरियल वी डिस्कस अबाउट सी प्रोग्रामिंग। सो लेट्स सी व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग। हम जानेंगे सी प्रोग्रामिंग होता क्या है। सो लेट्स सी। सी इज स्ट्रक्चर्ड एंड प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय डेनिस रिच इन 1973 एट बेल लेबोरेटरीज। सी स्ट्रक्चर्ड एंड प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट डेनिस रिच के द्वारा 1973 में डेवलप की गई थी। आफ्टर इट यू थिंक व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड सी दैट सी इज स्ट्रक्चर्ड एंड प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जानते हैं जब एक प्रोग्रामर राइट ए कोड इन सी ही डिवाइड होल प्रोग्राम इंटू स्मॉलर यूनिट्स। जी हाँ, प्रोग्रामर एट ए टाइम ऑफ राइट ए कोड वो अपनी प्रोग्राम को ब्लॉक वाइज डिवाइड कर सकता है। सी की इसी फीचर के कारण सी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड इट इज ऑल्सो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज सी में कोडिंग करते टाइम वी फॉलो ए सीरीज ऑफ स्टेप। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज कंसिडर्ड एज द मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो सी सिंटैक्स। फॉर एग्जाम्पल सी प्लस प्लस, जावा, सी हैज, ईटीसी। ये मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस, जावा, सी हैज की मदर लैंग्वेज मानी जाती है बिकॉज ये सब सी सिंटैक्स को ही कॉपी करती हैं। नेक्स्ट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर लैंग्वेज टुडे बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन, मशीन इंडिपेंडेंट फीचर एंड ऑल्सो इट इज रिलीएबल, सिंपल एंड ईजी टू यूज। जी हाँ, आज के समय में प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग स्टार्ट ही इसी लैंग्वेज के साथ करते हैं। इसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत ही ईजी होता है, शायद इसी कारण से आज ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सी वॉज इनिशियली developed for writing system software but today it has become such a popular language that variety of programs are written using this language। जी हाँ, C programming language को system software लिखने के लिए बनाई गई थी पर आज variety of program, बहुत type के program भी इसी language के help से लिखी जाती हैं। सी इज ए मिडिल लेवल लैंग्वेज बिकॉज इट सपोर्ट्स द फीचर ऑफ बोथ लो लेवल एंड हाई लेवल। सी में दोनों लो लेवल एंड ऑल्सो हाई लेवल अवेलेबल है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये यूजर फ्रेंडली भी होता है, मशीन इंडिपेंडेंट भी होता है और लो लेवल होने के कारण ये इजीली मेमोरी एलोकेट कर पाता है जिससे ये प्रोग्राम को बहुत ही फास्ट रन करवाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।